लालसोट उपखंड मुख्यालय पर विगत कई दिनों से 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश के मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने की दिशा में अभी लालसोट मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के लिए पधारे हैं। साथ में मुकेश रामगढ़, भाजपा नेता रामविलास डूंगरपुर, पूर्व सरपंच चंद्र मीणा, मुकेश डिल्लर, राम किशोर आदिवासी, सांवरमल मीणा, राम प्रसाद बागड़ी, सुरेश मंडवारी, रामोतार जोरवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष हरकेश मटलाना और लालसोट विधानसभा क्षेत्र गांव से आए लोग 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश के माता पिता को न्याय दिलाने के लिए पधारे हैं। जीएसएस पे लूट है, एफपीएस के डीलर की दुकान पे लूट है, किसान को बिजली समय पे नहीं मिलती, थाना लूट रहा है, बिजली वाले लूट रहे, पानी वाले लूट रहे, नगर पालिका लूट रही है, चारों तरफ जो लूट मच रही है। आप तो खंजर लेके खड़ा हो जाओ, इन अत्याचारियों का इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, मैं बड़े उससे आया था, मेरी डिप्टी साहब से बात हो गई थी, मैं इनकी 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बैठ के आपसे बात कर लेगा, लेकिन इनका इनका जो रुदन है मैं सहन नहीं कर सकता, शायद आप भी सहन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बिना किसी के सलाह करके ये तय किया है, ये उसकी धर्मपत्नी, ये उसकी माँ, ये उसका बाप, आगे आगे पीछे चलेंगे। तुमको सबको अपलाज माना किस हो गए, मंत्री लालसोट में है, उसके घर पे चलेंगे, घर को घेर के बैठेंगे।